हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज का जो हमारा वीडियो है, एक नई वैकेंसी अभी भी आई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये नई वैकेंसी जो है झारखंड में प्लस टू है ना, 10+2 इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी है। तो सब कुछ बताऊंगा, कितने पोस्ट हैं, कितनी सैलरी है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ बताऊँगा। अभी तो इसे डेट इन्होंने शायद नहीं दिया है, लेकिन सब कुछ बताऊंगा क्या क्या इसमें है, किस तरह से इसके सिलेबस होंगे और जो भी इसमें ज़रूरत है आप सब कुछ बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा वैकेंसी है वो है, ये जो वैकेंसी है झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। यह है नियमित भर्ती, रेगुलर वैकेंसी है हमारा, ठीक है। तो झारखंड इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसी है, ठीक है। अब क्या क्या पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये, इसमें कितना परीक्षा शुल्क लगेगा, तो आपका 100 रुपया लगेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फी, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया लगेगा। पोस्ट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। कि पहला तो पोस्ट हो गया आपका निम्न वर्गीय वाला जो है, लिपिक वाला, वो पोस्ट है, ठीक है। उसमें आपका लगभग इतना पोस्ट है, सब सारा कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ है। दूसरा है आपका इसमें निम्न वर्गीय पोस्ट के लिए लिपिक में, ठीक है। और तीसरा है आपका स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग का, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पोस्ट श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग, कौशल विकास विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन पक्ष अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक है ना, उसके लिए पोस्ट है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय के अंतर्गत निम्न वर्गीय पोस्ट वो है आपका, इसके अंतर्गत निम्न वर्गीय फिर है, ठीक है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी, उसमें आपका जो है तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में निम्न वर्गीय, ठीक है, पॉलिटेक्निक उसमें है आपका पोस्ट, ठीक है। सारा कुल मिलाकर के आपका टाइपिंग वाला पोस्ट है, ठीक है। ये इस तरह से श्रम नियोजन वाले में जो है उस तरह से फिर सब पोस्ट है। थोड़ा ये सब डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो है आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। और मैं बता देता हूँ, स्टडी स्टोमा 16 डालिएगा, स्टडी स्टोमा 16, ये टेलीग्राम पर आप डालिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा कुछ। और भी क्लासेस हो रही हैं तो उसको भी आप, झारखंड के स्पेशल क्लासेस जो है सो कुछ भी हैं और भी होंगी, तो आपका जैसे CGL वाली जो एग्ज़ाम है उसके पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। साइंस की क्लासेस हो रही हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस एक हुई हैं आगे, और बायोलॉजी की क्लासेस कई सारे हुए हैं, तो और भी हिस्ट्री पॉलिटी भी होंगी, ठीक है। चलिए तो और कुछ बात कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। वेतन कितना रहेगा इसमें आपका, जो साफ साफ लिखा हुआ है 25,500 से लेकर के 81,000 तक रहेगा, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर और निजी सहायक के लिए है, निम्न वर्गीय लिपिक है उसके लिए जो है वो LDC वाला रहेगा, उसमें आपका 1,900 से लेकर के 63,200 तक रहेगा। इसमें याद रखिए कि पहले ही जो है आपको कौशल परीक्षण स्किल जो है टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या है, आंसू लेखन वाला वो नहीं है आपको, टाइपिंग वाला इसमें नहीं है, टाइपिंग वाला तो होगा ही, लेकिन पहले आपको सुन करके जो है ट्रांसक्रिप्शन वाला, आंसू लेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन वाला, सुन करके आपको टाइप करना होगा हिंदी में, है ना, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हिंदी में ही आपको जो है वो टाइपिंग जो करेंगे आप कंप्यूटर पे, उसमें आपका 30 वर्ड पर मिनट करना है, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के लिए 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, ये करना है, 30 के जगह 25 हो गए। और हिंदी टाइपिंग में आपका क्या करना है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के गति से आपको 210 मिनट में 250 वर्ड आपको टाइप करना है कंप्यूटर पर, ठीक है। उसमें 2% से ज़्यादा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है,
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है, तो 10+2 या फिर उसके समकक्ष अगर आपने जो भी किया है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो होगी 18 साल। ठीक है, अधिकतम आपका रिजर्वेशन है, इसमें आप देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के अनुसार। और थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, ये सब तो आप भी देख सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो भी आप डालिएगा तो उसमें आप अनुमंडल उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए। ठीक है, ये संदर्भ में जो जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से जाति प्रमाण पत्र आपका जो है वो होना चाहिए। और भी है, 2019 से पहले का अगर आपका रहेगा तो आपको डीसी वाला चलेगा। ठीक है, और 2019 के बाद वाला आपका जो है वो सीईओ वाला भी चलेगा। और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और है आपका सिलेबस को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, परीक्षा का जो स्वरूप होगा यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये क्या होगा, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा। परीक्षा जो लिया जाएगा सो स्किल टेस्ट तो होगा ही, स्किल टेस्ट तो पहले ही इसमें लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक का अगर ज़्यादा पाली में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें। ठीक है, ये कहा गया है, और नॉर्मलाइजेशन के बेस पर वो निकाला जाएगा। परीक्षा जो होगा वो होगा एक चरण में। ठीक है, एक चरण में लिया जाएगा मुख्य परीक्षा, मतलब डायरेक्ट उसमें से 3 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, गलती करते हैं तो 1 नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होगा, मुख्य परीक्षा में कितने होगा, 3 पेपर, तीनों पेपर 2-2 घंटा का होगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो होगा आपका क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग में आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, 60 क्वेश्चन हिंदी से, 60 क्वेश्चन इंग्लिश से। ठीक है, और इसमें आपको क्वालिफाइंग 30% आपको लाना ही है। ठीक है, 30% आपको लाना ही है इसमें। चलिए, और सेकंड है आपका, आप सेकंड पेपर आपको लेना पड़ेगा लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आप क्या क्या ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संथाली, बंगाली, आपका मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक मतलब उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सब में से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। इसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 30 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसमें 30% अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका थर्ड पेपर जांच नहीं होगा। फर्स्ट पेपर में अगर आप 30% नहीं लाएंगे है ना, तो आपका सेकंड पेपर जांच नहीं होगा, और सेकंड पेपर में अगर 30% नहीं लाएंगे तो थर्ड पेपर जांच नहीं होगा। तो थर्ड पेपर के बारे में देखिए, थर्ड पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज में वही है, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का पढ़े होंगे तो वही सब सारा कुछ है लगभग, है ना, उससे कम ही पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी सारी क्लासेस तो चल ही रही हैं, उसको आप देख सकते हैं। 40 क्वेश्चन रहेगा आपका झारखंड से, झारखंड का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये याद रखिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन जनरल स्टडी और झारखंड स्पेशल से 40 क्वेश्चन कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर का आपका नॉलेज पूछेगा, और कंप्यूटर पर जो हिंदी टंकर करेंगे उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल आपको लाना है इसमें भी 30%, है ना, क्वालिफाइंग के लिए। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर वन में आपको 30% लाएंगे। ठीक है, कम लाएंगे तो आपको असफल माना जाएगा, और पेपर टू तभी जांच होगा जब आपको पेपर वन में 30% आएगा, और पेपर टू में 30% आएगा तभी पेपर थ्री का जांच होगा। ठीक है, देखिए पेपर वन का सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए, मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी अनुच्छेद पे 20 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी व्याकरण पे 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये रहेगा, इस विषय में क्या रहेगा, अनसीन पैसेज, पैसेज से रहेगा, आसान रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अनसीन पैसेज रहता है, और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे तो इजीली रहता है, दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी वाला जो है हिंदी अनुच्छेद, अंग्रेजी अनुच्छेद पे जो है वो रहेगा 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश ग्रामर पे 40 क्वेश्चन, इसमें भी वही पैसेज रहेगा और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। पेपर टू में आपका जो है वो 100 क्वेश्चन वही रहेगा, बाकी सारे वही सब जो है लैंग्वेज पेपर में से आपको चूज करना होगा।
ये सब हो गया पेपर टू का सिलेबस। थोड़ा सा मैं पेपर थ्री का दिखा देता हूँ आपको, बाकी पेपर टू का हम लोग बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पेपर थ्री का है, पेपर थ्री का है जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें सारा कुछ वही है आपका। ठीक है, वर्तमान घटना मतलब जो है उसको लेकर के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसी जानकारी जैसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब वही सारा कुछ है आपका, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सब कुछ वही है। हिस्ट्री, पॉलिटी आपका, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान, पॉलिटी हो गया, यही सब पूछा जाएगा आपका। ठीक है, इसमें और झारखंड स्पेशल से आपका ये रहेगा, झारखंड का सिलेबस 40 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, ये सब सारा कुछ मैंने करवा दिया। उद्योग तक करवा दिया है, भूगोल वाला कुछ पार्ट बता हुआ है, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान ये भी करवा दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साहित्य विकास, योजनाएं वगैरह भी करंट को लेकर के करेंगे, खेल खिलाड़ी से करेंगे, व्यक्तित्व के बारे में, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, ये सब करंट वाला टॉपिक है, ये सब करंट में करेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर में आपका ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों और संचालन की विधि के जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो अलग अलग जो उपकरण होता है, जो इक्विपमेंट होता है, और वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और टंकण वाला के बारे में देखिए, टंकण वाले के बारे में आपको याद रखना है, टंकण जांच कैसे होगा। निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए आपका अभ्यर्थी को हिंदी भाषा, कृति देव जो है 10 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट वाला, वो उसमें 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको 250 वर्ड कंप्यूटर पर वो टंकित करना होगा, 10 मिनट का टाइम रहेगा। 2% से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी जो है वो आपको रद्द कर दिया जाएगा। आंसु लेखन एवं टंकण जांच जो है, इसमें क्या होगा, स्टेनोग्राफर पोस्ट अलग है, देखिए उसमें निम्न वर्गीय लिपिक है, इसमें स्टेनोग्राफर और निजी सहायक पद के लिए जो है वो टंकण जांच में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए रिजर्व और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग, मतलब OBC 1 या OBC 2 अभ्यर्थियों को हिंदी में ना, हिंदी टंकण में 30 वर्ड पर मिनट करना होगा, और SC ST के लिए 25 वर्ड, और हिंदी आंसुलेखन जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें 80 वर्ड पर मिनट आपको करना होगा। ठीक है, मेरिट किस, और यहाँ पे एक बात और लिखा गया है कि प्रथम चरण में रिक्तियों के लिए जो 3 गुना अभ्यर्थियों की टंकण जो है 3 गुना लिया जाएगा। ठीक है, मेधा सूची किस पे बनेगा, तो आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका के कंडिका की टिप्पणी में के अधीन जो है पेपर 2 और 3 के विषय, पेपर 2 और जो 3 लिया जाएगा उसके योगफल के आधार पर सामान्य मेधा से जो कॉमन जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, कौशल जांच परीक्षण हेतु अल्प सूचीबद्ध किया जाएगा। कौशल जांच परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों के मेधा सह विकल्प मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की जो है आपका चयन उस तरह से किया जाएगा, आपका कैटेगरी वाइज किया जाएगा। ठीक है, ये सब सारा कुछ है, रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ लगभग बता दिया है, और भी जो है उतना ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये अभी ऑनलाइन का अभी टाइम अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको देखते रहेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप स्टडी स्टोमा के साथ जुड़े रहें, लोगों को शेयर करें, पहुंचाएं लोगों तक, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के कंटेंट और भी आपको मिलते रहेंगे। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही फ़ायदेमंद MCQs के फॉर्म में सारा कुछ जो है वो करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस के दौर से भी, और अगर आप पढ़ाई कर लिए हैं, जो भी आप पढ़ चुके हैं, तो उसको रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, 2 बार 3 बार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो